आज की इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 3 से 4 घंटे का एनालिसिस किया हुआ है, एक एक प्लेयर के बारे में पूरा पूरा जाना हुआ है, कौन सी टीम में जीत सकती है इस बारे में भी बात किया हुआ है, पूरी तरीके से सोचा हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। और एक और चीज़ बताऊँ, सबसे पहले अपने ऑलराउंडिंग ऑप्शन में मैं लूँगा टी हरिथरन को, जो कि कल के पहले मैच में देख सकते हो हमारा कैप था इस सीजन के दोनों ही, जब पहला मैच हुआ है किसी भी टीम के खिलाफ वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। बल्लेबाजी में भी 4 नंबर में दिख जाएगा, प्लस बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा करेगा। तो ऐसा ऑलराउंडर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेयर रहेगा, बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी करके दे रहा है। लेकिन वही दिन के जो दूसरा मैच हो रहा है वहाँ पे प्लेयर्स टाइप पॉइंट दिला करके जा रहा है, यानी कि दिन के पहले मैच है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहा है। और ये जो पहला इस सीजन मैच है तो मैं इसको लेकर के जरूर चलूंगा, मैं आपको कहूँगा केवीसी के लिए भी नंबर 1 प्लेयर रहने वाला है। लेकिन इस बार जो सामने की टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, जिसका नाम है लैम की टीम। तो लैम की टीम के खिलाफ फ्लॉप हो सकता है। उसके बाद एम इकबाल को लेकर के चलूंगा, भले ही दोनों मैचेस में उतना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया नहीं है, लेकिन बल्लेबाजी में तीसरे पे आ जाएगा, प्लस बॉलिंग से भी आपको 1 से 2 ओवर करके देगा, यानी कि ऐसा ऑलराउंडर पूरी तरीके से आपको मौका मिलेगा इसको तो कैसा करने वाला है। पहले मैच इसने 2 ओवर बॉलिंग पूरा किया, दूसरे मैच इसने 1 ओवर बॉलिंग किया हुआ है, तो ऐसा ऑलराउंडर काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है। उसका तीर राजा कुलासेकरा पहले दोनों मैचेस में प्लेयर्स से पॉइंट फिर फ्लॉप गया, फिर उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस करके गया हुआ है। रीज़न ये है कि आपको 1 से 2 ओवर बॉलिंग पूरा करके दे रहा है, एज अ बॉलर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके देने के चांसेस है, बल्लेबाजी में भी आपको 6 नंबर पे नजर आ जाएगा। इसके बाद मैं और 2 रिस्की प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा जो कि मैं लेकर के चलूंगा अपने बॉलिंग ऑप्शन और बल्लेबाजी ऑप्शन। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम से अगर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाना, क्योंकि फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि मान लो जो मैं आपको टीम बना के दिखा रहा हूँ, इनमें से कोई प्लेयर ना खेल रहा हो, कोई नया प्लेयर मैं अभी टीम में ले रहा हूं, तो जो भी टॉस हो जाने का, लाइनअप आ जाने का, टिप्स एंड ट्रिक्स में चेंजेस होगा या टीम एंड कॉम्बिनेशन में चेंजेस होगा, वो सारी चेंजेस के बाद मैं अपनी जो भी फायर टीम होगी वो अपने टेलीग्राम सर्कल पर आपको सबसे पहले शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम सर्कल का लिंक जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम सर्कल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और कमेंट सेक्शन बॉक्स से सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपसे पिन किया हुआ ना मिले तो सीधे सीधे आप कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। यानी कि टेलीग्राम सर्कल ज्वाइन होना आपके लिए मस्ट पिक होने लगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत बोला, आपके एकदम फ्री का लाल बटन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी टीम मैच जीत सकती है। मैं आपको यहाँ से बता दूँ, लैम की टीम के जीतने के 90% करीब चांसेस है। रीजन क्यों, लैम की टीम ने इस सीजन में अपने 2 मैचेस के लिए दोनों ही मैचेस जीत करके आ रही है। वहीं सामने जो BYB की टीम है 4 मैचेस इस सीजन में खेल करके आ रही है, 2 मैचेस जीत करके आ रही है, 2 मैचेस हार करके आ रही है। तो मैं आपको यही कहूँ, कहीं ना कहीं लैम के प्लेयर्स को आपको ज़्यादा फोकस करके टीम बनाने की जरूरत रहने वाली है। वहीं अगर मैं इस मैच के पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो ये जो मैच होने लगी आपको क्रेफेल्ड के बयूड क्रिकेट ग्राउंड के मैदान के ऊपर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको आखिर ये 5 मैचेस में 82 रन का एवरेज स्कोर देखने को मिला हुआ, यानी कि अगर BYB की टीम को मैच हारना होगा, पहले बल्लेबाजी कर रही होगी तो वहाँ पे मैक्सिमम 70 रन बना पाएगी या फिर 80 के करीब। लेकिन वही अगर लैम की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही होगी तो मुझे लगता है कि 90 के करीब का आपको स्कोर देखने को मिलने वाला है। बात करें एक एक प्लेयर के एनालिसिस पर, तो सबसे पहले बल्लेबाजी ऑप्शन है के महेंद्रन, जो कि BYB की टीम से कैप्टनसी भी कर रहा है, बल्लेबाजी में भी ओपनिंग के लिए आ रहा है, प्लस बॉलिंग से भी 1-1 ओवर कई मैचेस में करके दे रहा है। तो ऐसा ऑलराउंडर काफ़ी अच्छा प्लेयर रह सकता है। रिजवान बाबर, जिसने एक मैच से पहले हमें कुबेरा के दियो पिक में अल्ट्रा मेगा क्लिन स्पिन कराने में बहुत बड़ी मदद किया हुआ है। जहां पे हमने अपनी टीम में लिया हुआ था दियो पिक में, वहां पे होता क्या, 5 प्लेयर्स दिए होते हैं, उनमें से किसी एक प्लेयर को चूज करके सेम नॉर्मल फैंटेसी की तरह एक प्लेयर को अपने पूरे पैसे लगाने होते हैं। वहाँ पर हमने अपनी टीम में रिजवान बाबर को लिया हुआ था, जो कि बल्लेबाजी में ओपनिंग करेगा, हर बॉल पर छक्के और चौके मारने वाला प्लेयर है, लंबे लंबे छक्के मार के दे सकता है। सिर्फ 15 बॉल खेलिए तो वहाँ पर 40 के करीब रन बना कि दे सकता है। यही रीजन है कि मैं लेकर के जरूर चलूंगा। प्लस पहला मैच जब इसने खेला था वहां पे इसने 1 ओवर बॉलिंग भी किया हुआ था, यानी कि बॉलिंग करने के भी चांसेस है, बॉलिंग भी कर सकता है। लेकिन इस टीम के पास पहले से 6 मेन बॉलर्स है, यही रीजन है कि मुझे नहीं लगता आर बाबर बॉलिंग करेगा। ए वसीकरण के साथ जाऊंगा, जो कि बल्लेबाजी में भी तीसरे पे आ रहा है, प्लस बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा कर रहा है। हर मैच में फ्लॉप होने के बाद आखिरकार वो मैच आ गया जहाँ पे इसको बॉलिंग से 2 विकेट मिल गया और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी करके चला गया। लेकिन वसीकरण से मुझे उतनी उम्मीद नहीं है, क्योंकि BYB की टीम के मैच हारने के चांसेस, जब तक BYB की टीम मैच जीतेगी नहीं
तब तक ये वशीकरण फ्लॉप होने के चांसेस है। लेकिन हाँ, बल्लेबाजी में तीसरे पे दिख जाएगा, प्लस बॉलिंग से भी दो ओवर पूरा करेगा, आपके लिए जरूरी प्लेयर बन जाएगा। आर पराग जाई को लूंगा जो कि बल्लेबाजी में ओपनिंग करेगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी लेवल काफ़ी अच्छी है। ऐसा बैट्समैन देखा जाए, इसका रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा शानदार है, ओपनिंग करेगा तो लेकर के जरूर चलूंगा। उसके बाद आगे के प्लेयर्स की बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, वीडियो टीम जो भी है हमारी एक इनिशियल टीम है जो कि मैं आपको डेमो टीम बना दे रहा हूँ इसके प्लेयर के एनालिसिस बताने के लिए। बाकी अगर आपको मान लो इस मैच की हमारी फाइनल टीम से हो, जिस टीम से मैं खुद इस मैच के तरफ पैसे लगाने वाला हूँ, तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम सर्कल ज्वाइन होना पड़ेगा, जहाँ पर ज्वाइन होना आपके लिए एकदम फ्री है। हमारे टेलीग्राम सर्कल लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन बॉक्स से जाना, सबसे पहला जो आपको कमेंट देखने को मिलेगा उसमें आपको हमारे टेलीग्राम सर्कल लिंक देखने को मिल जाएगा। वहाँ भी ना मिले तो आप सीधे सीधे टेलीग्राम ऐप पर जा करके सर्च मार सकते हो, वहाँ पर सर्च मार लेना @RVDChampion। आप जैसे ही लिखोगे @RVDChampion आपको सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम सर्कल लिंक देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे 54,000 के करीब सब्सक्राइबर पहले ही से फ्री में ज्वाइन है। आप भी ज्वाइन है जरा, मैं वहीं पर अपने 11 प्लेयर पूरे KBC सभी चीज़ें तो सो जाने का लाइन पास जाने का सबसे पहले शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम सर्कल ज्वाइन आपके लिए जितना ही जरूरी भी है उतना ही आसान भी है, तो ज्वाइन बिल्कुल ही मत भूलना। अब इसके बाद आपके लिए एक और अच्छा प्लेयर बन सकता है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका नाम है ए गुप्ता, अक्षय गुप्ता, जो कि आखिरी मैच हमने अपनी टीम में भी रखा हुआ था। इसका नाम पहले ऑलराउंडर्स में इसका नाम विकेट कीपर में आ रहा था, लेकिन अब इसका नाम जो बल्लेबाजी में आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि विकेट कीपिंग कर नहीं रहा है। अब बल्लेबाजी क्रम क्या है इसका, बल्लेबाजी क्रम 7 नंबर पर भेजा गया, इतना नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। 3 दिन के मैच इतने नीचे के प्लेयर को हम बिल्कुल भी लेना नहीं चाहेंगे, यही रीज़न है कि लेकर के नहीं चल रहा हूँ, और काफ़ी नीचे आएगा। लेकिन प्लेयर अच्छा है, कभी भी अच्छा करके दे सकता है, बाकी यहाँ से कोई अच्छा प्लेयर नहीं है। विकेट कीपिंग सेक्शन में बात की तो सिर्फ एक ही अच्छा प्लेयर जिसका नाम एस इंद्रन, जो कि बल्लेबाज में ओपनिंग करेगा। यही सब प्लेयर्स फॉर्म में आ गया, जिस वजह से BYB की टीम ने कल दोनों के दोनों मैचेस जीत करके आ रही है। जीतने का मतलब यही कि इनके प्लेयर्स का अच्छा परफॉर्मेंस, बल्लेबाज में ओपनिंग कर रहा है, आपके लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है एज अ विकेट कीपर। इसके बाद किसी का भी रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा प्लेयर भी देखने को नहीं मिलेगा। बात करें यहाँ से अपने ऑलराउंडिंग ऑप्शन, तो मैं आपको एक चीज कहूँ, दलजीत सिंह, जो कि बल्लेबाज में आपको 6 रन पर दिखेगा, प्लस बॉलिंग से 2 ओवर पूरा करके देगा। यह आपके लिए ग्रैंडली के लिए GL के लिए एक डिफरेंशियल प्लेयर रहेगा, अपनी 3 से 4 GL की में रख लेना, आप लिए एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। ए भत्ती, जिसको पहले मैच उतना मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरे मैच से एक ओवर बॉलिंग भी किया, बल्लेबाजी में भी आपको 7 नंबर करीब नजर आ गया, तो आप चाहो तो लेकर के चल सकते हो। लैम की टीम ओर से मैक्सिमम मैचेस के अंदर आपको कैपेसिटी भी करते हुए नजर आ रहे, तो आप लिए एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। उसके बाद बात करें अपने बॉलिंग ऑप्शन है, तो नंबर 1 प्लेयर आप ले रहेगा एस विग्नेश, जिसका रिकॉर्ड काफी ज्यादा शानदार है, जिसका एनालिसिस काफी ज्यादा शानदार है। पहले दोनों मैचेस में खिलाया नहीं गया, लेकिन कल के दोनों ही मैचेस में अच्छी बॉलिंग करके आया हुआ है, 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, एनालिसिस अच्छा है, रिकॉर्ड अच्छा है, यही रीजन है कि मैं एक बार फिर से इसको बैक करके चल रहा हूं, 2 ओवर बॉलिंग पूरा करके देने वाला है। इसका दे तोमर को लूंगा, जिसको पहले मैच नहीं खिलाया गया, लेकिन दूसरे मैच खिलाया गया, वहां पे 2 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट लेकर के आया, मेन बॉलर बन गया है। और एक बार फिर से लैम की टीम की ओर से लेकर के चलूंगा, लैम की टीम के मैच जीतने के चांसेस ज्यादा है, 2 ओवर बॉलिंग पूरा करके देने वाला है। अब इसका देखो, पुलकित शर्मा को आखिरी मैच में प्लेइंग 11 में खिलाया नहीं गया, पहले मैच खिलाया गया, फ्लॉप गया, दूसरे मैच 3 विकेट लिया हुआ था 2 ओवर बॉलिंग करके, अगर खेलेगा तो 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा। और पहले इसका नाम ऑलराउंडर्स था, अब इसका नाम बॉलर्स में इसलिए आ रहा है क्योंकि बल्लेबाजी क्रम काफी नीचे है, लेकर के नहीं चल रहा हूं अभी फिलहाल। एस थोरली कोंदा की बात करें, 3 मैचेस में फ्लॉप गया, सिर्फ एक ऐसा मैच गया हुआ है जहां पे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है, जहां पे बॉलिंग से 2 विकेट लिया हुआ, आप चाहो तो लेकर के चल सकते हो, आपको 2 ओवर बॉलिंग पूरा करके देने वाला है। अब आपको सोचना बी रमेश के साथ जाऊंगा या फिर पी प्रभा को या फिर एस थोरली कोंदा को, मैं सीधे सीधे बी रमेश को लेकर के चलूंगा क्योंकि मुझे लगता है लैम की टीम के मैच जीतने के चांसेस ज्यादा है, तो लैम के बॉलर के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, 2 ओवर बॉलिंग पूरा करके देगा। आप चाहो तो पी प्रभा और एस थोरली कोंदा इन दोनों को अपनी 3-3 GL की टीम में यूज कर लेना, स्मॉलिंग में लेकर के नहीं चल रहा, ये दोनों आपको प्लेयर से पॉइंट यानी कि 30 से लेकर के आपको 40 के बीच में पॉइंट्स इजीली दिला करके जा सकते हो। उसके बाद यहाँ से दलजीत सिंह को लेकर के चल सकते हो। बात करें तो अपने KBC के बारे में, जो कि एक स्मॉल लीग टीम के लिए बहुत जरूरी है, उससे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा, आखिरी के 6-7 महीनों से अपना पूरा पैसा जो है वह 11 चैलेंजेस से आपको लगा रहा, 11 चैलेंजेस से आपको फैंटेसी के जितने भी एप्लीकेशन है सबसे ज्यादा लो एंट्री फीस देखने को मिलेगा, यानी कि एंट्री फीस को आपके बहुत पैसे बचेंगे। मेरे कहने में बस एक बार अपने 1,000 रुपये लगाओ, बिना आ रही आपके 100 रुपये बचा लोगे, सिर्फ एंट्री फीस के ऊपर, उसके भी पर्स आपको 4 से 15% के बीच बोनस के भी पैसों का यूज करने मिलेगा। 11 चैलेंजेस ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन देखो मिल जाएगा, अभी अभी वहां से डाउनलोड करके आप मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हैं। इस मैच के अंदर मैं भी अपने पूरे पैसे जो 11 चैलेंजेस पे लगाने वाला हूं, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर खेलना, आपके जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। 11 चैलेंजेस ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन देखो मिल जाएगा, डाउनलोड जरूर कर लेना, वहीं पर मैं अपने पैसे लगाने वाला हूं, आप भी वहीं पर खेल के देख लेना। मैं भी तुम्हें कैप यहाँ से तैयारी के साथ रहा हूँ।
अभी से सोच रहा हूँ कि ये वसीकरण के साथ जाऊँ, बाकी मुझे लग रहा है BYB की टीम मैच हारेगी, यही रीज़न है कि मैं यहाँ से आर बाबर के साथ जा रहा हूँ। बाकी इसके अलावा आपके और भी अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से लेकर के चल सकते हो, यहाँ से वसीकरण हो गया, उसके बाद यहाँ से आपके लिए बन सकता है आर बराकजाई, उसके बाद एम इकबाल, ये सब अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों एक प्ले का पूरा एनालिसिस बता दिया, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो सुनकर लाइन अप आने के बाद हमारी फाइव टीम से टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन समक्ष सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखने मिल जाएगा। उसके अलावा आपको 11 चैलेंजेस या फिर कुबेरा ऐप से लेकर के फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम है तो बिना कुछ सोचा हमारे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कर देना, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा। एक घंटे के तरफ जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन करके दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।